everyone and welcome to this video. Let us start our discussion now. Last lecture में हमने discuss किया था synthetic division को, आगे उससे continue करते हैं. आज हम discuss करेंगे कि roots और coefficients का relationship quadratic equation में. Let's suppose हमारे पास एक quadratic equation है, ax square plus bx plus c equals to 0, general form में. और हम क्या देते हैं कि इसके जो roots हैं वो क्या है हमारे पास, एक root है इसका alpha जो हो जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, और बीटा जो इसका दूसरा रूट है वो हमारे पास क्या हो गया, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये दो इसके क्या है, रूट्स हैं. चलें अब हम क्या करते हैं, इनका सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालें तो वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, और प्लस बीटा प्लस कर लेते हैं, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए. अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही अल्फा हो ये बीटा हो, आप इनकी जगह चेंज कर लें, अल्फा को बीटा बना लें, बीटा को अल्फा बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब ऐड करना है, दोनों का एलसीएम ले लें तो ये टू ए हो गया, ओके okay. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और प्लस है तो ये माइनस हो गया, माइनस बी माइनस, साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि प्लस था, फोर ए सी ओवर टू. ये टर्म इस टर्म से कैंसिल बिकॉज सेम टर्म्स हैं और अपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, माइनस टू बी ओवर टू ए. इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस बी ओवर ए. ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए इंटू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए. अब देखें तो ये आपके पास है ए प्लस बी और ए माइनस बी का केस है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस फोर ए सी रूट का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, फोर ए स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, जब टू ए टू से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, फोर ए स्क्वायर. अब ब्रैकेट ओपन करें, माइनस बी स्क्वायर, ओके, तो ये माइनस बी स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी ऊपर फोर ए स्क्वायर. ये बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, फोर ए सी ओवर फोर ए स्क्वायर. जब कैंसिलेशन होगी, ये ए ए स्क्वायर से कैंसिल, फोर फोर से कैंसिल, तो ये आपके पास क्या बच गया, सी ओवर ए. तो हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आ गई. एक हो गया हमारे पास कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के. इनको यूज़ करते हुए हम जो है वो बहुत सारे इक्वेशंस भी ड्राइव कर सकते हैं और रूट्स भी ड्राइव कर सकते हैं. चलें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. वो कह रहे हैं कि एक इक्वेशन की रूट्स हैं हमारे पास अल्फा बीटा, तो ऐसी यूज़ करते हुए इस चीज़ को आप फाइंड करें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और इसी तरह दो एग्जांपल्स और हैं. चलिए देख लेते हैं कैसे होगी. अब हमारे पास जो दो रिलेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूनिवर्सल हैं वो हमने देख ली हैं, और वो हमारे पास कौन से हैं, एक तो हमारे पास है सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, जो हमें पता है किसकी इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के, और एक होता है अल्फ़ा बीटा जो हमें पता है किसकी इक्वल होता है, सी ओवर ए के. अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हम जो है वो कैसे इनकी मदद से दूसरी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं वो देखते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. हमें एक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स उसने बता दिए हैं, अब हमें जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इनकी मदद से. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर मैं इसको ओपन करूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये अल्फ़ा का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो गया. इसी तरह क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये बीटा का होल स्क्वायर है. अब मेरे पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है. अगर मैं इसके आगे लिखूँ टू अल्फ़ा इंटू बीटा,
ये मैंने क्या किया, प्लस टू ए भी बना लिया इसको, प्लस टू ए भी बनाया। ये मेरे पास क्वेश्चन में नहीं है, मैंने अपने पास से लिखा है, तो मुझे इसको माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, माइनस किया तो ये मेरे पास क्या बनता है, ये मेरे पास बन जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या बन गया, माइनस टू अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी ओवर ए होता है, तो इसका स्क्वायर हो गया, और माइनस टू अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या होता है, सी ओवर ए होता है, तो ये मैंने यहाँ पे सी ओवर ए लिख लिया। अब इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस टू सी ओवर ई। चाहे तो इसको मज़ीद एक स्टेप सॉल्व करके एलसीएम ले लें, तो ए स्क्वायर आ गया एलसीएम, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है, इसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, जैसे पार्ट बी है इसका, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस अल्फ़ा, जो इसको देख लें इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा, और यहाँ पे है बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। इसमें क्या कर सकते हैं, सेम मेथड आप इसमें भी इन कर सकते हैं कि आप क्या करें, एलसीएम ले लें। आपको ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है, आपने कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा कन्वर्ट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया अल्फ़ा बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल हो गया तो ऊपर हो गया अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो गया तो ऊपर हो गया बीटा क्यूब। अब एक अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को किस तरह मैं अल्फ़ा प्लस बीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखते हैं। अब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला यूज़ करें, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। अब अगर आप देखें तो इसमें हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब का, वो क्या होता है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको बॉस बुक्स में ऐसे मल्टीप्लाई करके भी लिख लेते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस थ्री अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। हमें ये फॉर्मेट सूट करता है क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ा बीटा भी है और अल्फ़ा प्लस बीटा भी है। यहाँ से मैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो वो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वो मेरे पास वैल्यू कैसे आ जाएगी, इसमें सब्स्टिट्यूशन करें तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये किसकी इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस थ्री अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू भी मेरे पास है, इसकी वैल्यू भी मेरे पास है, तो वो मैं इसको इसके अंदर रिप्लेस कर दूँगा, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा की फॉर्मेट में, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम कंप्लीट करें, ऑल दो यहाँ पे हमने कर लिया, तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस थ्री अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अभी मुझे पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी ओवर ए, तो ये हो गया माइनस बी ओवर ए का क्यूब, और माइनस थ्री अल्फ़ा बीटा क्या होता है, मेरे पास सी ओवर ए होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी ओवर ए होता है, और यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू में क्या आ जाएगा, सी ओवर ई। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही रह गया, माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस थ्री बी सी ओवर ए स्क्वायर, और ये डिवाइड हो रहा है मेरे पास सी ओवर ए से। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब प्लस थ्री बी सी ओवर ए स्क्वायर टाइम्स ए ओवर सी, या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फ्लिप कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करके फाइनल स्टेप करके इसको हम ख़त्म कर लेते हैं, माइनस ए बी क्यूब ओवर ए क्यूब इंटू सी, ये टर्म जब इसे मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस ए क्यूब ए बी क्यूब ओवर ए क्यूब सी,
और ये जब इसे मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3abc ओवर ए स्क्वायर सी। अब कैंसिलेशन कर लें, स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस बी क्यूब ओवर ए स्क्वायर सी प्लस 3b ओवर ए सी, सॉरी सी भी कैंसिल हो जाएगा, बी नहीं नहीं बी भी बी बी रह जाएगा, ऊपर हमारे पास जो है वो क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा और नीचे हमारे पास ए स्क्वायर ए से कट गया, सी सी से कट गया, तो नीचे हमारे पास सिर्फ ए रह जाएगा। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। ओके, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर है, आप क्या कर सकते हैं, आप अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अप्लाई करके इसके थ्रू इसकी वैल्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इज स्क्वायर ऑफ द अदर। अब हमने क्या करना है, हमें ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है कि एक रूट जो है वो दूसरे का क्या हो, स्क्वायर हो। लेट से अगर हमारे पास एक रूट जो है वो अल्फ़ा है, हम कहते हैं अल्फ़ा है, तो जो हमारे पास बीटा है वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर हो। हमें ये कंडीशंस फाइंड करनी है। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास होता है माइनस बी ओवर ई। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि बीटा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर है, तो हमारे पास इवेंचुअली क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ई। इसी तरह जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो हमारे पास क्या होता है, सी ओवर ए होता है, क्योंकि स्क्वायर है, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो गया, सी ओवर ए। इवेंचुअली क्या हो जाता है, अल्फ़ा क्यूब इक्वल्स टू सी ओवर ई। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं वो आ गई। अब क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए कंडीशंस को, हम इसका क्यूब ले लेते हैं। इसका क्यूब क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू है, वो इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो ए बी सी की कंडीशंस हैं वो आ जाएंगी। तो क्यूब ले लें, तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए क्यूब। मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्यूब ले लिए, क्योंकि मुझे कंडीशन चाहिए ए बी सी के अंदर क्या रिलेशन होगा, तो वो लेने के लिए मेरे पास एक ही हल है कि मैं इसका क्या ले लूँ, क्यूब ले लूँ। क्यूब लेने का फ़ायदा ये है, क्योंकि मेरे पास ये अल्फ़ा क्यूब बनेगा तो वो इसमें सब्सटीट्यूट मैं कर सकता हूँ। फॉर्मूला ओपन किया तो ये क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 अल्फ़ा क्यूब इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। ये मैंने क्या किया है, फॉर्मूला ओपन कर लिया। अल्फ़ा क्यूब, यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू है, वो क्या है, सी ओवर ए, तो मैंने लिख लिया सी ओवर ए। अल्फ़ा सिक्स इज़ बेसिकली व्हाट, अल्फ़ा सिक्स इज़ अल्फ़ा क्यूब का स्क्वायर, तो अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू है मेरे पास सी ओवर ए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसी तरह प्लस 3c ओवर ए इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस बी ओवर ए, और ये इक्वल किसके है, माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब के। ओके, सिर्फ वैल्यूज़ को रिप्लेस किया है, अब इनको अरेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्रैकेट्स ओपन करके एलसीएम लेंगे, सी ओवर ए प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 3bc ओवर ए स्क्वायर, ये हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब के, राइट। अब एलसीएम ले लें और क्वेश्चन को वाइंड अप कर लें। ए स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ गया, तो ए ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो ये क्या बन गया, ए सी। ओके, एलसीएम लेने का तरीका होता है प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc इज इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, दोनों डिवीजन में है, तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास ए बच गया। इसे को लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफिकेशन करें और क्वेश्चन को वाइंड अप कर दें, रिलेशन मिल जाएगा हमें, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3abc इज इक्वल्स टू नेगेटिव बी क्यूब, क्वेश्चन नेगेटिव बी क्यूब। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारा जो एक रूट है वो दूसरा रूट उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। एक रूट का दूसरा रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हमें वो कंडीशन चाहिए थी, वो हमने कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं।
अब हमने क्या करना है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखना है कि हम कैसे इक्वेशन को फॉर्मेट कर सकते हैं अगर हमें रूट्स दिए हैं। लेट्स सपोज अभी तक तो हम इक्वेशन से रूट्स बना रहे थे, अब अगर हमें रूट्स दिए हों तो उससे हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, हम ऑपोजिट जाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्मेटेड है फैक्टर फॉर्म में, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, फैक्टर फॉर्म में है। अगर हम इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, उसके बाद हमारे पास माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ मेरे पास कॉमन है, एक्स कॉमन है तो मैंने कॉमन लिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इवेंचुअली मेरे पास इक्वेशन का फॉर्मेट क्या आया, ये मेरे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स है और ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को यूँ लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास रूट्स गिवन हो तो मैं उनको जब ऐड करूँगा तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, और जब उनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। चलें, अब हमारे पास एक फॉर्मेट आ गया, इसको यूज़ करते हुए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं हमें, ताकि क्लियरेंस हो जाए। अब उसने हमें कह दिया कि एक इक्वेशन है उसके रूट्स आपको गिवन है, ओके, एक इक्वेशन है उसके रूट्स आपको गिवन है। अब हमने क्या करना है, हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है कि जो रूट्स हैं वो डबल हो जाएं, इस इक्वेशन के रूट्स के क्या हों, डबल, ओके। तो क्या कर सकते हैं, डबल करने हैं, हम कह देते हैं कि इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसके रूट्स क्या होंगे हमारे पास, पहले तो एक तो हो गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव बी ओवर ई, ये तो हमारे पास हो गया सम ऑफ रूट्स, और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ओवर ई। ये हम देख चुके हैं अभी तक कैसे कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि ये इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स इस रूट्स के डबल हों, तो इनको डबल कर लेते हैं। जब हमने इनको डबल किया तो ये क्या हो गया, टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू व्हाट, ये भी डबल हो जाएगा, माइनस टू बी ओवर ए, राइट नो। जब आपने इसको डबल किया तो ये भी डबल हो गया। अगर ये स्टेप समझ नहीं आया तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो नेगेटिव बी ओवर ए के इक्वल है, तो टू अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, आप अल्फ़ा प्लस बीटा को रिप्लेस कर दें इसकी वैल्यू से, टू इन टू माइनस बी ओवर ए, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, माइनस टू बी ओवर ए। इसी तरह आप इसका प्रोडक्ट ले लें, अल्फ़ा बीटा हमारे पास है सी ओवर ए के, अब इसको डबल कर दें तो टू अल्फ़ा इंटू टू बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, इवेंचुअली फोर अल्फ़ा बीटा, और फोर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, सी ओवर ए, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाता है, सी ओवर ए। अब हम इक्वेशन का फॉर्मेट देख चुके हैं, और वो क्या था, जो हमारे पास इक्वेशन है इसको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए वाई की फॉर्म में ले लेते हैं कि कन्फ्यूज ना हो जाए, वाई स्क्वायर जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब सम ऑफ रूट्स क्या हैं, डबल वैल्यू के साथ, माइनस टू बी ओवर ए, और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस फोर सी ओवर ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसके जो उससे रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब उसने एक क्वेश्चन दे दिया कि अल्फ़ा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड करो। जो पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ये उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है कि हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका सबसे पहले आपको दो जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा जो क्या होता है आपके पास, माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस टू ओवर थ्री, तो वो आपके पास आ गया टू ओवर थ्री। दूसरी वैल्यू जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, अल्फ़ा बीटा, वो आपके पास होती है सी ओवर ए, तो वो आ गया आपके पास फोर ओवर थ्री। ये दो वैल्यूज़ जो है ना ये इम्पोर्टेंट हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। चलें इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट वाला देख लेते हैं, स्क्वायर वाला। तो वो हमारे पास है वन ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वन ओवर बीटा स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे,
कैसे कर सकते हैं, एलसीएम ले लें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये वही फॉर्मेट है जो हमने पहले सॉल्व किया था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब क्या करें, इनके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दें, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, वैल्यूज हमारे पास यहाँ मौजूद हैं अल्फा प्लस बीटा की भी और अल्फा बीटा की भी। इसी तरह ये बाकी सारे क्वेश्चन हैं, आपने इसको कन्वर्ट करना है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट की फॉर्मेट में, और इसको आपने सॉल्व करना है, वो आप कर सकते हैं। ये आप खुद प्रैक्टिस करें ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस बने और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। ये जो क्वेश्चन है आपके पास अल्फा 4 प्लस बीटा 4, इसे घबराना नहीं है, क्वेश्चन इज़ नॉट टफ, क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होता। अगर आप मेथड आपका स्ट्रांग हो तो क्वेश्चन टफ नहीं है। जैसे आपके पास है अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे फॉर्मूला कंप्लीशन करें तो क्या होता है, 2ab, 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में हो गया माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, राइट। अब इसके ऊपर दोबारा फार्मूला लगाएं, इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, क्योंकि मैंने अपने पास से 2ab और माइनस 2ab किया तो मुझे इसको प्लस भी करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह ये वाले सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी फॉर्मेट में हैं, और आप इनको ट्राई करें। कुछ मजीद एग्जांपल्स देखते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा बीटा, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमने क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाए, 1 माइनस सी के। हमें ये प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, और ये हमें इक्वेशन गिवन है। तो इसका रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा की वैल्यूज जो देख लेते हैं क्या होंगी, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए, और बी क्या है हमारे पास, पी माइनस इंटू माइनस पी ओवर 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पी। इसी तरह अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस पी माइनस सी ओवर 1, तो ये हमारे पास क्या होगी, माइनस पी माइनस सी। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करते हैं, हमने जो प्रूफ करना है वो क्या है, हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास जो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा है, ये किसकी इक्वल हो, 1 माइनस सी के। तो इसमें से लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, वो है हमारे पास पी, और जो अल्फा बीटा है हमारे पास है वो है माइनस पी माइनस सी। इनकी वैल्यूज़ को इसमें रिप्लेस करें तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ गया, पी आ गया, और अल्फा बीटा की जगह क्या आ गया, माइनस पी माइनस सी। तो आपका जो आंसर है बेटा वो क्या बन गया, 1 माइनस सी, और ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है जो हमने इधर प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और वो बोल रहा है कि इसके जो रूट्स का डिफरेंस है वो यूनिटी है। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1 है, तो प्रूफ करें, अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो प्रूफ करें पी स्क्वायर क्या इसकी इक्वल आ जाएगा, 4q प्लस 1 के, ये हमें प्रूफ करना है। तो देख लेते हैं, अब हमें पता है इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, पी, और अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू। अब इन रूट्स का जो डिफरेंस है वो 1 है, 1 का मतलब क्या है कि अगर एक रूट 11 है तो दूसरा रूट क्या है, 12 है, क्योंकि डिफर बाई यूनिटी है ना, तो एक का डिफरेंस होना चाहिए। अगर एक क्यू 15 है तो दूसरा क्या होगा, 16 है,
इसी तरह अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा प्लस वन। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ अल्फा प्लस वन इक्वल्स टू पी, और क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन इक्वल्स टू क्यू, राइट, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो वन है। तो मेरे पास इक्वेशंस कैसे बन जाएंगी, टू अल्फा प्लस वन इक्वल्स टू पी, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल्स टू क्यू, राइट। अब क्या करें, अब इधर से अल्फा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके देखते हैं कि क्या हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे कि नहीं, कैसे। सो यह हमारे पास टू अल्फा इक्वल्स टू पी माइनस वन, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी पी माइनस वन ओवर टू, और यहाँ पे आ जाएं, अब इसके अंदर इस वैल्यू को प्लेस कर दें, ये वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली इस इक्वेशन में इसको प्लेस करें, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर पी माइनस वन ओवर टू स्क्वायर प्लस पी माइनस वन ओवर टू इक्वल्स टू क्यू। स्क्वायर ओपन करें तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ओवर टू इक्वल्स टू पी माइनस वन ओवर टू इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पे प्लस। एलसीएम ले लें, जब एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू पी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस पी माइनस वन इक्वल्स टू क्यू, राइट और नो, ओके। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, जब हमने यहाँ स्क्वायर किया तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या आएगा फोर आएगा, जब फोर एलसीएम आएगा तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ में चेंजेस आ जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा क्योंकि ये टू से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा प्लस टू पी प्लस टू, ओके प्लस टू पी माइनस टू, क्योंकि ये माइनस है तो अब कुछ कैंसिलेशन हो गया, ये टू पी से कट गया, ये प्लस और माइनस आपस में सॉल्व हुआ तो हमारे पास क्या बचा पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू फोर क्यू। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर क्यू प्लस वन, तो ये हमें प्रूफ करके देना था क्वेश्चन में, हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि पी स्क्वायर किसके इक्वल है फोर क्यू प्लस वन के। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है अब, ओके हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो कह रहा है कंडीशन बताओ कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो मैग्नीट्यूड में तो सेम हो लेकिन साइन ऑपोजिट हो। जैसे अगर अल्फ़ा है, लेट्स से अल्फ़ा अल्फ़ा है, तो बीटा भी जो है इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बस साइन जो है वो क्या हो ऑपोजिट हो, ओके लाइक इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। अगर ये अल्फ़ा है तो ये क्या हो माइनस अल्फ़ा हो जाए, कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन क्या है ऑपोजिट है, ओके तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। आप इसको सबसे पहले तो क्या करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, राइट। ये हमारे पास a ओवर x माइनस ए प्लस बी ओवर x माइनस बी इक्वल्स टू फाइव है। आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें, एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा x माइनस ए इंटू x माइनस बी, एक्स माइनस ए से कट गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए, ये मैंने एलसीएम ले लिया इक्वल्स टू फाइव। आप थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करें, ये राइट साइड पे चला गया और मल्टीप्लिकेशन हो गई तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरह ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी इक्वल्स टू फाइव इंटू, जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, और एक स्टेप और करके इन सब को फाइव से मल्टीप्लाई करके जब आप राइट साइड पे लेके आएंगे तो आप कैसे कर सकते हैं इसको ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी, ये मल्टीप्लाई हुआ माइनस फाइव एक्स स्क्वायर साइन चेंज प्लस फाइव बी एक्स प्लस फाइव ए एक्स माइनस फाइव ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, देखते हैं हमारे पास सिमिलर टर्म्स कौन कौन सी हैं। ये देखें तो ए एक्स है, ये देखें तो ए एक्स है, ये देखें तो हमारे पास बी एक्स है, ये हमारे पास बी एक्स है, ये हमारे पास ए बी है, ये हमारे पास क्या है ए बी है।
ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बनी वो क्या है, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म हो गई। उसके बाद ये ए एक्स है और ये ए एक्स है, तो ये क्या हो गया, सिक्स ए एक्स, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस सिक्स ए एक्स, ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमारे पास है बी एक्स और बी एक्स, ये हो गया सिक्स बी एक्स, ये भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ए बी, तो वो हमारे पास हो गया माइनस सेवन ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो। क्वेश्चन अच्छा लगता है अगर उसकी फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव कॉमन लेके दूसरी साइड पे भेज दें, ज़ीरो है, ख़त्म हो जाएगा, और पहली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें कॉमन भी है हमारे पास, चाहे तो कॉमन भी ले लें, तो वो क्या हो जाएगा, सिक्स ए प्लस सिक्स बी एक्स, साइन चेंज हो गया और ये हो गया प्लस सेवन ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो। मैंने क्या किया, सिर्फ नेगेटिव कॉमन लिया और उसको मैं दूसरी तरफ ले गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प लेते हैं। अगर मैं सम ऑफ रूट्स लूँ तो वो मेरे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो मेरे पास क्या आया, वो मेरे पास आया है माइनस बी ओवर ए होता है, तो वो माइनस माइनस ख़त्म हुआ, मेरे पास आ गया सिक्स ए प्लस सिक्स बी ओवर फाइव, राइट। अब कंडीशन को यूज़ करें, उन्होंने कहा था कि मैग्नीट्यूड सेम है, साइन ऑपोजिट है, अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा सिक्स कॉमन लिया तो ए प्लस बी ओवर फाइव, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज़ ज़ीरो, तो ये हो जाएगा सिक्स ए प्लस बी ओवर फाइव। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये डिवाइड हुआ, ज़ीरो है, सब ख़त्म, तो मेरे पास क्या आ गया, ए प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये मेरे पास कंडीशन आ गई। अगर ए प्लस बी ज़ीरो के इक्वल होगा तो जो इनके रूट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन उनके जो डायरेक्ट साइन है वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। सिंप्लीफिकेशन है, स्टेप बाय स्टेप जाएं, खुला खुला काम करें, और सिंप्लीफिकेशन के अंदर पूरी कॉन्सेंट्रेशन रखा करें, साइन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हो सकता है मैंने भी कहीं कर दी हो, लेकिन उम्मीद है कि नहीं होगी, ये सब वेरीफाई है। अब आगे चलते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक दो तीन दफ़ा ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ भी चुका हुआ है, तो डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बस इसके कुछ स्टेप्स हैं वो आप फॉलो करें। जैसे हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू, और ये हमारे पास इक्वल है किसके, ज़ीरो के। तो हमारा सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस क्यू, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू, ठीक हो गया। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ, क्योंकि मैं अंडर रूट में प्रूफ करना है, तो मैं अगर इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्योंकि सम चाहिए स्क्वायर रूट्स में, तो मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन थ्री, अगर मैं इसको टू कहूँ, मैं इक्वेशन वन और थ्री को आपस में डिवाइड कर लेता हूँ, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन थ्री, तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी राइट हैंड साइड से, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस क्यू, ये यहाँ पे पी भी आ जाएगा मेरे पास, ओके, और यहाँ पे भी मेरे पास पी आ जाएगा, तो यहाँ पे भी मेरे पास पी आ जाएगा, क्योंकि मैं इस पी को भूल गया, माइनस क्यू ओवर पी, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस क्यू ओवर पी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ओवर पी, ओके, मैं पी भूल गया, मैंने देखा नहीं। तो आगे चलते हैं, अब क्या करें, अब सिंप्लीफाई कर लें, अगर मैं इसको अलग कर लूँ, ये प्लस है, इसको तो मैं न्यूमिनेटर को आप ब्रेक कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को नहीं कर सकते एडिशन के केस में, तो अगर मैं इसको तोड़ के लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, और अगर मैं राइट साइड पे देखूं तो ये मेरे पास है माइनस क्यू ओवर पी, माइनस क्यू ओवर पी, और डिनोमिनेटर मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ पी। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल टू है तो ये किसके इक्वल होता है, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू के, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास दोबारा टू बन जाएगा। इसी तरह मेरे पास है क्यू ओवर पी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट क्यू ओवर पी इंटू अंडर रूट क्यू ओवर पी, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस मेरे पास क्यू ओवर पी बन जाएगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास एक क्यू ओवर पी है, तो ये सेम है, ये आपस में क्या हो गया,
कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट, क्योंकि ये मैं इस चीज़ को यूज़ करते हुए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसी तरह इधर भी मैं यही रूल अप्लाई कर सकता हूँ, अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट अल्फ़ा इंटू अंडर रूट अल्फ़ा, क्योंकि मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दोबारा अल्फ़ा बन जाएगा। इधर ही मैं ये चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ अंडर रूट बीटा इंटू अंडर रूट बीटा ओवर अंडर रूट अल्फ़ा इंटू अंडर रूट बीटा, और यहाँ मेरे पास क्या आ गया, माइनस क्यू ओवर पी। अब ये कैंसिलेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन है, कैंसिलेशन हो सकती है, तो मेरे पास प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन कि अंडर रूट अल्फ़ा ओवर अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा ओवर अंडर रूट अल्फ़ा, ये इधर माइनस आ, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो गया क्यू ओवर पी। आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं, सेम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में मेरे ख्याल है सेम अंडर रूट में है, तो आप आंसर में भी इसको सेम अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स हमारे पास क्या होंगे, 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लगता टफ है लेकिन है आसान। आपके पास इक्वेशन गिवन है, इसके अंदर से आपने क्या निकाल लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा जो आपके पास है 3 और अल्फ़ा बीटा जो आपके पास है 5। अब आपको ये दो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ये तो आपको पता चल गया। अब आपके पास रूट्स ये हो गए, आपका आपको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं कि आपके पास इक्वेशन का फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो, तो इन दोनों रूट्स का सम भी निकाल लें, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें, इसमें रिप्लेस करें, क्वेश्चन सॉल्व। सम ऑफ रूट्स कैसे निकलेगा, आपके पास है एक रूट 1 माइनस अल्फ़ा और 1 प्लस अल्फ़ा, और दूसरा रूट है आपके पास 1 प्लस बीटा, सॉरी 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये दो रूट्स के बने, अब क्या करें, इनका सम कर लें, सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को सम किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा, ये एलसीएम आ गया। न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा, 1 प्लस अल्फ़ा से कैंसिल, 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा हो गया, प्लस 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, ये आ गया, राइट, एलसीएम लिया। एलसीएम अगर आपका वीक है, एलसीएम की प्रैक्टिस करें, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन में एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, इसी तरह इनको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 प्लस अल्फ़ा, और इनको भी मल्टीप्लाई कर लें ताकि हमारे पास एक ही तरह का कर्ज बन जाए, 1 ये हमारे पास 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस बीटा आ गया, प्लस अल्फ़ा आ गया, प्लस अल्फ़ा बीटा आ गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास कुछ कैंसिलेशन हो रही हैं, ये प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल, प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे देखें तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये सम ऑफ रूट्स है, ये वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, हमने यहाँ पे देख ली हुई हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है और अल्फ़ा बीटा क्या है, 5 है। इसमें रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा वैल्यू विच इज़ व्हाट, 5, तो 5 से रिप्लेस किया, और हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है, जो दूसरी वैल्यू थी वो थी हमारे पास 3, तो प्लस वैल्यू को हमने 3 से रिप्लेस किया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 5। इसको सॉल्व कर लें तो 2 माइनस 10 इज़ माइनस 8 और 5 प्लस 3 इज़ 8, 8 प्लस 1 इज़ 9, तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स हैं वो क्या हो गया, 8 ओवर 9 हो गया। इसी तरह अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी चाहिए, तो वो है हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा, और ये हमारे पास क्या है, 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, उसी तरह 1 प्लस अल्फ़ा
प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब इसको सॉल्व करें और वैल्यू पुट कर लें, वन माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास उसी तरह वन प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये वैल्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं। जब आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस थ्री प्लस फाइव, और नीचे क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री प्लस फाइव, ये हो जाएगा सिक्स माइनस थ्री इज थ्री, और नीचे क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ वन ओवर थ्री। तो मेरे पास सम ऑफ रूट्स भी आ गया और मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। तो मैं इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इज माइनस एट ओवर नाइन, तो माइनस एट ओवर नाइन एक्स प्लस वन ओवर थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। सो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एट ओवर नाइन प्लस वन ओवर थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। चाहे तो इसको एलसीएम लेके मज़ीद आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह रूट से आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं और हमने देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर हम रूट्स की नेचर को कैसे जो है वो पिक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू अराउंड नेक्स्ट टाइम।